स्टेटस में ही उतारना है। अब तब उतरेगा जब हम एक्सपोर्ट कल्चर बनाएंगे, एक्सपोर्ट ग्रोथ देंगे। हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री का टैरिफ जो है उस पे, उससे सब्सिडी जो वो दूसरे कंज्यूमर्स को देते थे 240 अरब, उसको आज विड्रॉ कर दिया। ये एक्सपोर्टर के लिए नहीं, ये पूरी सनत के लिए ये टैरिफ अब अवेलेबल है, जो सब्सिडी देते थे इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे कंज्यूमर को, इंडस्ट्री जो है वो आज के दिन 1 जुलाई से खत्म की जा रही है, उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन हम साथ ये कहते हैं कि अगर आपने टैक्स कल्चर क्रिएट करना है तो टैक्स कल्चर की बुनियाद हमारे से शुरू होगी। और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ये कह रही है कि 13 ट्रिलियन का टैक्स हमने देना है। ये 13 ट्रिलियन का टैक्स 1.33% ऑफ GDP अगर है, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल साफ चलने को तैयार है। हम कहते हैं यहां पर 18% हो जाएगा, बट आपको इसके फैसले करने पड़ेंगे। अगर एग्रीकल्चर हम समझते हैं कि टैक्स हम नहीं कर सकते, प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, तो हम फेडरल गवर्नमेंट पुशर तो लगा सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जो है जराई जमीन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हमें उशर का प्रपोजल आज फेडरेशन दे रही है, आप उसके ऊपर उसकी जमीन पे उशर का निजाम निफाज करें, जो कि हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के पास एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक टूल मौजूद है, उशर के तहत आप जो है वो फेडरल टैक्स क्रेक करें। क्यों उनको आप छोड़ रहे हैं? आपने ताजिर दो स्कीम दी, हम अप्रिशिएट करते हैं। ताजिर दो स्कीम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी साथ हो, लेकिन जो ये क्लॉजेस आज बजट में डाली गई है कि जो है वो नॉन अवेलेबल, किसी को भी जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल इसकी अपोज करते हैं। किसी सूरत में हम ये नहीं चाहेंगे कि नॉन अवेलेबल जो है वो वारंट्स इशू हो बिजनेस कम्युनिटी में किसी के भी। बिजनेस कम्युनिटी आर कस्टमर्स, और जो कस्टमर होता है, कस्टमर इज, जिसको कहा जाता है कारोबारी जमान में, कस्टमर इज गॉड ऑन अर्थ। इस तरीके से लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आपको अपने कस्टमर्स की, टैक्स पेयर की रिस्पेक्ट करनी होगी। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो टैक्स पेयर जो है टैक्स कल्चर में आएंगे, वो टैक्स के सिस्टम में आएंगे। हमें उनको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। वो डरते हैं कि हमारे पे नोटिस आ जाएगा। अगर कोई समझे कि हमारे पे नोटिस नहीं, हमें तो एज अ टैक्स कल्चर में सलूट होगा, हमारे को फैसिलिटेशन होगी, क्यों पाकिस्तान की कौन टैक्स कल्चर में नहीं आए। फेडरेशन इस चीज को आज लेके एजेंडा लेके चल रही है कि हमें 50 मिलियन, वी वॉन्ट 50 मिलियन टैक्स, बट हमारा ये फॉर्म एक्सेप्ट करे 5 लाइन का, 5 कॉलम्स का, 1 पेजर, सेल्फ असेसमेंट, और बिल्कुल लेके चले इंटरेस्ट योर पीपल। मैं कह रहा हूं कि ये टैक्स कल्चर जो हम आज बहुत बड़ा टारगेट बना के चल रहे हैं कि हमने 3.33% टैक्स टू GDP बढ़ा दिया और नॉन टैक्स में 1%, ये 4.33 नहीं, आपको 9% मिलेगा। लेकिन कौन ये भी देख रही है कि आप अपना एक्सपेंस कैसे कम करेंगे। आपको भी अपना एक्सपेंस करना पड़ेगा। आपको स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर हमने 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा का लॉस लिखा हुआ है, आज फैसला करें कि ये लॉस जो है वो हम स्टेप वाइज बताएं हमें कि ये 1 साल में कैसे खत्म होगा। ये सब प्राइवेटाइज करें 1 साल। आपने लिखा हुआ है कि जनाब आज के दिन भी आप जो है वो बिजली की मद में सब्सिडी दे रहे हैं, 60 रुपए की बिजली खरीद के 1.25 ट्रिलियन की सब्सिडी जा रही है। सारी कौम 60 रुपए की बिजली, 22 सेंट की बिजली खरीद रही है, कोई भी नहीं दे सकता। पूरी दुनिया में बिजली का रेट 6-7 सेंट है, कैसे कोई 22 सेंट दे सकता है? कौन सी आवाम, कौन सा बिजनेस, कोई भी नहीं दे सकता। जो इसका मसला है वो एक 1 पॉइंट मसला है, मैं उसको बता रहा हूं, और मैं 10 साल से इस बात को कह रहा हूं। जब तक हम इसका फैसला नहीं करेंगे कि तमाम IPP के जो एग्रीमेंट उनको आपने टेक और पे कहा है, जिसका मतलब है कि आप बिजली ले ना ले, आपने उसके उसको कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं, उसको आप कन्वर्ट करें टेक एंड पे में, कि हम लेंगे तो बिजली देंगे, कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं है। 2 ट्रिलियन रुपए आप कैपेसिटी पेमेंट में देने जा रहे हो, 20 रुपए यूनिट कैपेसिटी पेमेंट है। आज कैपेसिटी पेमेंट का कानून आप खत्म करें, जिससे बिजली ले उसके पैसे दे। 21,000 मेगावाट की हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, 42,000 मेगावाट का हमारा सिस्टम है। अरे आप आज के दिन जो है अपनी बिजनेस कम्युनिटी को हिस्सा बनाए, हम आपको ट्रांसमिशन लाइन बना के देते हैं। आप बिजनेस कम्युनिटी को बनाए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। आपने IPPs तो लगवा दिए, आपने ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगाई, कहां है आपकी प्लानिंग? आप उसको सजा दें जिसने ये सिस्टम बनाया है।
अल्लाह ताला ने भी जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट आपको कुरान शरीफ में दिया है। आपने यहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा, जो गलती करता है पॉलिसी मेकर उसके लिए कोई कोई सजा नहीं है। कैसे 42,000 मेगावाट की कौन कैपेसिटी पेमेंट दे सकती है जिसकी ट्रांसमिशन ही नहीं है? हर आदमी बिल कर रहा है बिजली के बिल से, कौन दे सकता है 60 रुपए और 70 रुपए का बिजली का बिल? हमने सनद के लिए तो लड़के कहा कि जनाब हमसे सब्सिडी मत दिलवाओ, लेकिन पूरी कौन कैसे चले, दुकानदार कैसे चले, कमर्शियल कनेक्शन कैसे 70-80 पे चल सकता है? पूरी दुनिया में 7 सेंट का रेट है, यहां भी 7 सेंट है। यहां पर भी आप हैरान होंगे बात को सुन के, हमारी जो जो फ्यूल कॉस्ट है आप उठा के देख ले पिछले महीने की, नॉर्वे 11 पैसे, हमारी फ्यूल कॉस्ट सिर्फ नॉर्वे 11 पैसे है। तो अगर नॉर्वे 11 पैसे की हमारी फ्यूल कॉस्ट है जिसमें सब शामिल है, आइडल भी शामिल है, फर्नेस ऑयल भी शामिल है, नेचुरल गैस भी शामिल है, एलएनजी भी शामिल है, अगर उस सब मिला के 9 रुपए 11 पैसे का फ्यूल है तो हमारा 70 रुपए और 60 रुपए का बिल क्यों है? उसकी वजह सिर्फ एक है, कैपेसिटी पेमेंट। उस कैपेसिटी पेमेंट के अदा ना होने के बाद उसके ऊपर एफसी सरचार्जेस हैं, एफसी सरचार्जेस के बाद उसके ऊपर अदर चार्जेस हैं, फिर वो सारे के सारे डॉलर में पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, डॉलर में कैसे आपने पेमेंट किया है? उसको इंडेक्स करें रुपए के साथ, आपको आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना पड़ेगा। और आपको मैं फिर कह रहा हूं ये कैपेसिटी पेमेंट खत्म करनी पड़ेगी, जिससे सस्ती बिजली है उससे हुकूमत खरीदे। हुकूमत का कोई कोई काम नहीं है कारोबार करना। हम अप्रिशिएट करते हैं इस हुकूमत के इस फैसले को कि हुकूमत कारोबार है, बट ये जो पिछले फैसले भी हुए हैं, ये कौम को फैसला आज के दिन बिजनेस कम्युनिटी आपको कह रही है ये आईपीपी के एग्रीमेंट खत्म करें। हम सब इसकी जो है जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज है फेस, बट हम बिलक बिलक के जिंदा नहीं रह सकते, हम सब मर जाएंगे। 40 लोग हैं जिनके आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट हैं। हमारे मुल्क का सोल्यूशन सूद नहीं है, हमारे मुल्क का सोल्यूशन कारोबार है। हमारे मुल्क का सोल्यूशन ये नहीं है कि हम आईएमएफ के एक पैकेज में चले जाएंगे 3 साल से और ये अपने 20-20 बिलियन डॉलर के 3 साल कर्ज वापस। हमारा मुल्क का सोल्यूशन कारोबार, हमारा सनअतकार है, हमें अपने सनअतकार और कारोबार को प्रमोट करना होगा। उसके लिए एक कल्चर है बिजनेस फ्रेंडली कल्चर, उसके लिए दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि बिजनेस कम्युनिटी को साथ उठाए, बिजनेस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको साथ उठाए, चोर दरवाजे से लोगों को बुला के उनसे मशवरे ना ले। हमारी बिजनेस कम्युनिटी के 400 चेंबर और एसोसिएशन ने जो है वो फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना है, और इस दफा जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट आप सुनकर खुद हैरान होंगे कि 1 या 2 वोट से जीता करते थे, हमारा प्रेसिडेंट 113 वोट की लीड से जीत के आया है। 113 इस्लामाबाद चैंबर का 1 वोट है, कराची चैंबर का 1 वोट है, 113 पूरी बिजनेस कम्युनिटी मैंडेट करके यहां बैठी है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, मुल्क का सोल्यूशन पाकिस्तान के ताजर और सरकारों के पास है, मुल्क का सोल्यूशन आईएमएफ के पास नहीं है। मुल्क का सोल्यूशन मुल्क की तजारत कारोबार और सनत लगाने में, मुल्क का सोल्यूशन मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने में, मुल्क का सोल्यूशन मुल्क को वाइबल बनाने में, मुल्क का सोल्यूशन मुल्क को सूदी बनाने में नहीं, कौम का पैसा सूद में रखवाने से नहीं, कारोबार करने में। हमारा इस्लामाबाद की पूरी मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक और हमारे जो भाई यहां मौजूद हैं जो है प्रिंट मीडिया से कि फेडरेशन इज देयर फॉर पाकिस्तान, फेडरेशन इज देयर टू सपोर्ट पाकिस्तान, एंड फेडरेशन विल मेक श्योर that Pakistan prospers and be there where it belongs. Thank you very much.